नमस्कार मेरे पशुपालक साथियों, बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए, तो कहूँगा बाद में है। जो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि आप जो पशुपालक भाई फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आज एक खुशी का दिन है। जो मैं एक छोटी सी आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ कि पीछे आप बहुत सारे बुल देख पा रहे हैं। काफ़ी दिनों से यूट्यूब और फेसबुक पे आप देख पा रहे थे कि कोई ना कोई वीडियो में मैं बता रहा था कि ये फार्म पे, हमारे फार्म पे बुल जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, हम एक सीमन स्टेशन शुरू कर रहे हैं और फ्यूचर में बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल सीमन आप भाइयों तक हमारे फार्म से, हमारे सीमन स्टेशन से आप भाइयों के लिए, आप भाइयों के पशुओं के लिए तैयार होगा। और आपकी जो आगे जो ब्रीड आएगी हमारे बुल स्टेशन से, जब भी कोई सीमन जाएगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेरे पशुपालक भाई जो हैं, मेरे जो किसान भाई हैं, उनका उनके घर पे बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस की बछड़ियाँ हों, जो भी हमारे सीमन, हमारे बुल स्टेशन से तैयार होकर सीमन आप तक जाएगा, मैं उम्मीद करूँगा, मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि आपके घर में बहुत अच्छा पशुधन जो आगे पैदा होगा वो हम दे पाएँ। और एक बात और मैं छोटी सी आपको कहना चाहूँगा कि HSB के नाम से ये सीमन आएगा, हिसार स्पम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी ये जो फर्म है, इसका सीमन आप HSB के नाम से ले पाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये इतना जो बड़ा पीछे आप बुल देख पा रहे हैं बहुत सारे, ये करना क्यों ज़रूरी था? करना ज़रूरी इसलिए था कि कई दिन हो गए थे, बहुत साल हो गए थे, 5-6 साल से कैमरा उठाए उठाए घूम रहे हैं किसान भाइयों के यहाँ। तो एक डुप्लीकेट सीमन, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि दो जो चीज़ हैं किसान के लिए सबसे दुखदाई हैं, एक डुप्लीकेट सीमन और एक दूध के रेट। दूध के रेट अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो काम हम कर सकते थे कि आप भाइयों के लिए अच्छा सीमन हम उपलब्ध करवा पाएं, तो वो काम हम फिलहाल शुरू कर रहे हैं। तो हमारे फार्म से मैं गारंटी के साथ आपको ये कहता हूँ, ना तो कोई फेक रिकॉर्ड होगा, कोई झूठा रिकॉर्ड नहीं होगा लोगों की तरह के 10 किलो दूध वाली भैंस का कटड़ा 20 किलो का बना के सीमन आप भाइयों तक आ रहा है, कोई फेक रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई डुप्लीकेट सीमन नहीं होगा। इतनी भी जिम्मेवारी के साथ मैं बात कह रहा हूँ, अगर हम जिस बुल का, मान के चले आप नवाब का हम सीमन दे रहे हैं, तो फ्यूचर में हम उस सीमन से, हमारे स्टेशन से जो सीमन जा रहा है, उससे पैदा हुए कटड़े और कटड़ियों के DNA तक के हम जिम्मेवार होंगे। कि चाहे हमारे आज 1000 सीमन की डिमांड है और हमारे पास 10 पड़े हैं, तो 10 ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई डुप्लीकेट काम इस स्टेशन से होगा, ये मैं जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। एक बात और मैं आपको छोटी सी कहना चाहूँगा, आप ये ना समझे कि पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे मुर्रा के बुल खड़े हैं। मुर्रा पे बात आ जाती है, इंडिया की क्या, पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ब्रीड अगर भैंस की बात करें तो मुर्रा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि मुर्रा के साथ साथ और भी, चाहे वो हरियाणा नस्ल की गाय है, थार पार्कर है, जर्सी है, HF है, हम उसका सीमन, सबसे बेस्ट ब्लड लाइन आपको दे पाएं। मुर्रा में तो मैं कहूँगा हमारे पास, मेरे ख्याल से आज हरियाणा और पंजाब की जो बेस्ट से बेस्ट भैंसे हैं, लगभग उन सभी भैंसों के कटड़े मेरे अभी हमारे पास खड़े हैं। और आगे भी अगर हम कोई नया भी ऐड कर रहे हैं, चाहे वो HF का हो, चाहे वो जर्सी का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, 100% मैं आपको जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूँ कि हमारी कोशिश है, जहाँ तक इंडिया में बैठे हैं, तो इंडिया की सबसे बेस्ट जो है ब्लड लाइन हम आपके लिए उपलब्ध करवा पाएं। साथ ही जितने भी बुल अभी फिलहाल हमारे फार्म पे खड़े हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा एक एक करके। थोड़ा सा आप टाइम निकाल के वीडियो देखें, और कोशिश हमारी यही है कि हर किसान के घर, जिसके घर में 8 किलो दूध वाली भैंस बंदी है, 8 किलो दूध वाली गाय बंदी है, उसको हम 15, 16, 17, 18, 20, सही पूछो तो मैं कहूँगा आज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस का कटड़ा भी हमारे साथ खड़ा है, हमारे पास खड़ा है। तो कोशिश हम मेरी यही रहेगी कि जितना इम्प्रूवमेंट का हम, हमारे सीमन से आप भाइयों के यहाँ अपने पशुधन पे करवा सकेंगे, उतनी मेरी कोशिश रहेगी। 8 किलो से 10 किलो वाली, 10 किलो से 15 किलो वाली, और 15 किलो से 25 किलो वाली तक पहुँचाने की हमारी कोशिश रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ ये नया काम हम शुरू कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, ये काम अकेला मैं कहूँगा मेरा नहीं है, जो आप यूट्यूब और फेसबुक पे मेरे साथ जो भाई जुड़े हुए हैं, ये हर उस भाई का काम है कि आप ये काम अपना समझ के,
और लोगों को बताएं कि कौन से इनके पास बुल खड़े हैं, कैसे इनके पास ब्रीड खड़ी है। मेरी कोशिश मैं पूरी करूंगा और मेरी उम्मीद ये है कि जो भाई आप वीडियो देख रहे हैं वो भी अपनी कोशिश पूरी करके इन इंडिया के सबसे बेस्ट ब्लड लाइन के बुलों का चुनाव करके आप अपनी भैंसों पे रखेंगे। ज़्यादा तो मैं एक घंटा भी इस पे बात बोल सकते हैं कि ये हमारे पास बढ़िया है, वो हमारे पास बढ़िया है। ज़्यादा तांग जांग ना करके मैं आपको बताना चाहूँगा कौन से बुल हमारे पास खड़े हैं और क्या वो चीज़ हैं। हर बुल की वीडियो फ्यूचर में आप अलग अलग देख पाएंगे, अलग अलग वीडियो इन सभी बुलों की एक एक वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। बहुत सारे सीमन स्टेशन तो ऐसे हैं जहां पे मैं कहूंगा ना तो उनके बुल के बाप को दिखा पाते हैं ना उनकी माँ को दिखा पाते हैं। मेरी कोशिश अपने प्लेटफॉर्म जो YouTube फेसबुक का प्लेटफॉर्म है उससे ये रहेगी कि मैं उनकी माँ भी आपको दिखाऊँ, माँ का दूध भी दिखाऊँ, उससे पैदा हुई कटड़ियों का दूध दिखाऊँ या उसकी बहनों का दूध दिखाऊँ। सब कुछ पारदर्शी होगा, कोई छुपाने वाली बात नहीं होगी। जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आप भाइयों तक होगा। बहुत सारे बुल तो ऐसे भी खड़े हैं जिनका मैं कहूँगा जिनकी माँ का दूध बहुत बढ़िया है, वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊँगा कौन सा बुल खड़ा है। लगभग 99% आप सब उन माओं उन बुलों को भी जानते होंगे और उनकी जो माँ है उनको भी जानते होंगे। अभी बुलों के बारे में मैं आपको बताना शुरू करूँ तो ये देखिए जी, सबसे पहले कोई पहले बाद को ये ना समझे कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन मैं कहूँगा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस सरस्वती का बेटा है नवाब, जो एक किस्म से मैं कहूँगा, पहले भी मैंने बताया पवित्र भाई ने नंबरदार जी ने हमें गिफ्ट दिया और शानदार इसकी जो माँ है सरस्वती, सेम लिट्टो कॉपी जो इसके बच्चे हैं वो सरस्वती पे ही आ रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि इसका जो बच्चे इन फ्यूचर आपको आएंगे फील्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस सरस्वती का बेटा नवाब आप देख पा रहे हैं। आगे बात करें तो ये देखिए जी, दो नंबर पे इधर बंधा हुआ है ये जो बुल है, ये अपनी जो रमेश दानसु भाई के पास लाडो है उसका ये बेटा है और इसका जो बाप है वो सम्राट थेमुकेरिया वाला है, लगभग सभी भाई जानते हैं। जयसिंह भाई से ये हमारे पास आया, फ्यूचर में आप इसका जो पहले आप सीमन इसका देख पाते थे बेताब सोरखी के नाम से, और अभी भी बेताब के नाम से इसका सीमन आएगा लेकिन सोरखी की जगह जैसा कि मैंने पहले बताया HSB के नाम से आएगा। तो फिर आगे तीन नंबर पे आ जाते हैं जी, देखिए ऊंचाई लंबाई की बहुत सारे भाई बात करते हैं, मेरे ख्याल से कोई जोड़ नहीं है। इसका बुल का नाम थानेदार है और बढ़िया रिकॉर्ड का माँ का दूध 23 किलो और बहुत अच्छे बच्चे इसके भी आपको देखने को मिलेंगे, हमने भी देखे हैं और जवान बुल है, थानेदार इसका नाम है। फिर आगे आ जाइए, ये देखिए जी आगे ये जो बुल है ये शेरे पंजाब, ये भी पवित्र भाई से आया, माँ का दूध बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने बताया भी PLDB में लगभग मेरे ख्याल से 27-28 किलो दूध इसका रिकॉर्ड हुआ है इसकी माँ का। और इसका फादर HLDB की सबसे बेस्ट बुल, जो सबसे बेस्ट बुल है 70-570 उसका ये बेटा है, बहुत अच्छे इसके काफ भी आए हैं, पवित्र भाई के फार्म पे भी आए हैं और कहीं भी आए हैं, तो बहुत अच्छा शेरे पंजाब। इससे आगे देखिए जी, ये है क्रांति का बेटा जो धीरज राणा भाई हैं हमारे पुंडरी के पास गांव है उनके पास भैंस है क्रांति, जिसका 26-26 किलो दूध YouTube पे लाइव रिकॉर्ड भी हुआ है उसका बेटा है। और इससे आगे फिर हम आ जाते हैं, ये एक बुल हमारा है जो हमने मुजादपुर गांव से ख़रीदा था, माँ का दूध इसका भी मैं कहूँगा लगभग 26 किलो के आसपास है और इसका जो फादर है वो शेरू है उमरा वाला, कोच साहब जो संजय कोच हैं उनके पास जो शेरू बुल रहा, शेरू उमरा के नाम से जिसके सीमन आए उसका ये बेटा है। नाम की बात करें, नाम का अनाउंसमेंट जैसे जैसे एक एक बुल की वीडियो आती रहेगी तो हर बुल के बारे में हम अलग से बताते रहेंगे। नाम लगभग सभी के फाइनल हैं लेकिन मेरी जबान पे सारे नाम नहीं है क्योंकि बुल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये शेरू का बेटा हो गया, इससे आगे आ जाइए जी, मैं कहूँगा दो दांत कटड़ा है अभी और इसका नाम बुलेट सोरखी, जयसिंह भाई के पास जो गंगा भैंस है उसका ये बेटा है, 28 किलो दूध वाली 27 किलो दूध वाली भैंस। और इसका फादर बहुत सारे भाई देखो M29 पुकारते रहते हैं लेकिन मैं बताना चाहूँगा M29 का अगर 10 सीमन बने हैं तो 10 में से लगभग अगर M29 ने 10 सीमन दिए तो 10,000 सीमन उसका डुप्लीकेट बिका है। जो इसका सोर्स है सीमन का
वो CIRB से सीमन लिया था जयसिंह भाई ने, और बुलेट इसका नाम है माँ बहुत बढ़िया। इसका एक भाई है धन्ना सोरखी, उसकी कटड़ियाँ बहुत अच्छे दूध पियाई। इसकी बहन है जिसका नाम लाडली रखा था, पीछे भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो देखा जो अजय भाई ने, अजय नंबरदार जी ने खरीदी, उसका भी दूध 26 किलो दूध रिकॉर्ड हुआ है। तो पूरी ब्लड लाइन मैं कहूँगा दूध से भरी हुई है। तो उम्मीद मेरी ये है कि बहुत अच्छे रिजल्ट बुलेट सोरखी हमें देने वाला है। इससे आगे आ जाइए जी, ये कटड़ा भी देखिए बहुत ही जवान और यंग है। ये जो अपने सुनील भाई हैं जुगलान से, उनकी भैंस का कटड़ा है जो पहले ब्यात की झोटी, इसकी भी माँ की वीडियो अपने चैनल पे पड़ी है, जिसने पहले ब्यात में 19 किलो दूध दिया है। दूसरे ब्यात में वो जो भैंस है वो 25 किलो दूध आंध्रा में दे रही है। उस झोटी का ये कटड़ा है, शो क्वालिटी आगे से लेके पीछे तक बहुत ब्यूटीफुल है। और इससे आगे फिर हम आ जाते हैं, तो ये जो कटड़ा है ये आपने सुखबीर भाई के पास, एक भैंस आई थी बिखे वाला गांव से, सुखबीर डांडा भाई के पास, उसकी भैंस का कटड़ा है। और बिखे वाला गांव में उस भैंस का रिकॉर्ड 25 किलो के आसपास रहा है, बहुत अच्छा है। और इसके बच्चे भी बहुत अच्छे आए हैं। समेंद्र मान भाई हैं हमारे पंजाब सिरसा के पास, उन्होंने पंजाब से ये हमें लेके दिया है। इससे आगे देखिए जी, सुंदर भाई हैं, सुंदर नाई सिंगवा खास से, उनकी भैंस का कटड़ा है, 23-24 किलो दूध की भैंस है और माँ का दूध बढ़िया। और इसके बच्चे भी बहुत अच्छे आए हैं। पंजाब में एक अपना भाई है चमकौर भाई, उसके पास गया था और लगभग सभी इसकी कटड़ियाँ ही पैदा हुई हैं, बहुत ही सुंदर कटड़े आए हैं। इसकी भी आप वीडियो फ्यूचर में माँ के साथ देख पाएंगे। इससे आगे देखिए, एक अपनी जो मीणी भैंस आपने हमारे फार्म पर देखी, उस भैंस का ये कटड़ा है, बहुत ही बढ़िया लंबाई ऊँचाई सींग हर मामले में बेजोड़। और जो मीणी भैंस की जो कटड़ियों ने दूध दिया वो भी पहले ब्यात में 18-18, 19-19 किलो दूध दिया। एक बात छोटी सी मैं बताना चाहूँगा, वो बुल ही हमने खरीदे हैं जिनकी माँ ने, माँ की बहनों ने या माँ की बेटियों ने, सब ने दूध दिया है, उसी तरह के बुल हमने खरीदे हैं। ये नहीं है कि कोई अपनी ब्रीड में अपनी लाइन में एक्सेप्शनल केस आ गया और फ्यूचर में उसकी कटड़ियाँ दूध ना दे, वो रिस्क हमने लिया ही नहीं है। तो बहुत ही शानदार है, अभी जवान है, थोड़े दिनों के बाद जब एडल्ट की कैटेगरी में आएगा तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इससे आगे देखिए जी, हमारा इस बुल का नाम राजदूत हमने रखा है। आपने देखी होगी मेरी बुड्ढी भैंस फार्म पे, उस भैंस का ये कटड़ा है, मैंने पंजाब में दे रखा था अपने मित्र के पास और वहाँ से ये आया है। इस बुल को मैं प्रोजनी टेस्टेड बुल कहूँगा, 8 किलो 10 किलो वाली दूध वाली भैंस से इसने 14-14 किलो दूध की पहले ब्यात की कटड़ियाँ पैदा की हैं, तो शानदार रिकॉर्ड रहा है, लाजवाब। इससे आगे देखिए जी, हमारा जो है मारुति साहिवाल का, मैं कहूँगा एक किस्म से बहुत ही शानदार बुल है। और भी बुल हम साहिवाल के फ्यूचर में ऐड करेंगे, वो भी आपको लेके आएंगे, और जो और करेंगे वो भी बहुत बेहतरीन होंगे। ये मारुति है, टोटल सैग की लाइन से इसकी वीडियो अलग से भी हम डाल देंगे और पहले भी आपने देखी होगी। और इससे आगे देखिए जी, ये आ गया अपना बीम, और वीर साहू भाई के फार्म से अपने पास आया है, माँ इसकी राधा, और पूरे साल का मेरे ख्याल से 5500 लीटर दूध दिया है। फादर बहुत अच्छा है, मदर बहुत अच्छी है, इसकी भी अलग से जो वीडियो है आप देख पाएंगे। इससे आगे देखिए जी, ये थार पार्कर बहुत ही शानदार ब्रीड है, और इसका फादर की बात करें तो 72-37 का ये बेटा है जो सूरतगढ़ फार्म का है, और माँ भी इसकी सूरतगढ़ फार्म पे है। बहुत ही अच्छी दूध की लाइन कह लो, ब्यूटी कह लो, और मैं कहूँगा 72-37 को लगभग जो गाय को चाहने वाले भाई हैं वो कहेंगे कि 72-37 की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, सबसे बेस्ट बुल उसको माना गया है और उसी का ये बेटा है। इससे आगे आ जाइए जी, ये देखिए हमारा बुल, इसका नाम चित्ता रखा है हमने, चित्ता हरियाणा नस्ल का है, H860 का बेटा है, और हरियाणा की सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट अगर आपको सही नहीं लग रहा तो मैं कहूँगा अगर टॉप की चार गाय में गिनती हम करेंगे तो शांति नाम की जो गाय है नसीब भाई के पास, नसीब मुच्छल, उनकी गाय का ये बेटा है, और शानदार रिजल्ट रहेंगे। माँ का दूध 18 किलो रहा है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहने वाले हैं चीता के। और ये देखिए जी, अपना जर्सी का आ गया बुल, बहुत ही शानदार, चीमना गाँव से जगराओं के पास जो देउल डेयरी फार्म है, अंकल जी ने बड़ी इज्जत से हमें ये बुल दिया है, और इसका भी अलग से आप वीडियो देख पाएंगे, बेजोड़ मैं कहूँगा। अगर
बात करें हम माँ के दूध की, फादर की लाइन की, हर मामले में कोई इसका जोड़ नहीं है। बहुत ही शानदार जर्सी का बुल है, लगभग बहुत छोटी उम्र का है, अभी सीमन देने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हमने वीडियो में खड़ा कर लिया आप भाइयों के लिए कि आपको दिखा दें। देओल डेयरी फार्म को जाना जाता है, जर्सी का किंग भी बोला जाता है उनको पंजाब में, तो उनके फार्म से ही आया है। आगे देखिए जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे आखिर में खड़ा है और बड़ी शान से खड़ा है। कोई भाई ये ना सोचे कि शुरू शुरू में बढ़िया बुल इन्होंने दिखा दिए, सबसे लास्ट में अपना शेर हिंदुस्तान। बहुत सारी वीडियो मैंने फोटो भी लगाई है यूट्यूब पे, जब हमने लिया था तो ओमवीर पांडवान भाई के यहाँ से वीडियो भी शूट किया है। मैं कहूँगा ओमवीर भाई के भी धन्यवादी हैं, और बुल इतनी उम्र में होके, पंचायत से उनके यहाँ से आया था, इतनी उम्र में होके सारी डिजीज फ्री की बात आ गई। एक यहाँ से लेके वहाँ तक किसी भी बुल में कोई बीमारी नहीं, सब टेस्टेड है, सब सारे टेस्टों में क्लियर है। और ये जो बुल रहा है, मैं कहूँगा इस बुल के ऊपर हाथ रख के मैं कह रहा हूँ, 14 किलो से 26-27 किलो दूध की कटड़ियाँ इस बुल ने पैदा की हैं, और लास्ट में ज़रूर बांध रखा है। थोड़ा एग्रेसिव है, गांव में खुला घूमता था, दूसरे बुलों के पास कम लेके जाते हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट रहेंगे वो लाजवाब रहेंगे, बेजोड़ रहेंगे। जितना भी मैं इसके बारे में कहूँ वो कम है। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा, कह रहा हूँ सबसे लास्ट में, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, चाहे ये बुल खड़े हैं, चाहे फ्यूचर में हम 10 बांधे, 20 बांधे, 50 बांधे, 100 बांधे, बेस्ट से बेस्ट ब्लड लाइन ही इस फार्म पे आएगी। और एक किसान भाइयों को ध्यान में रख के ये जो हम काम शुरू कर रहे हैं, उन किसान भाइयों के लिए मैं कहूँगा बिल्कुल जायज से जायज रेट में, कोई भाई ये कहने वाला नहीं होगा कि आप नाजायज रेट में सीमन बेच रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि हम 25 किलो दूध वाली भैंस के कटड़े से कम दूध वाली भैंस का कटड़ा फ्यूचर में इस फार्म पे ऐड भी नहीं करेंगे, और इसके साथ ही बिल्कुल जायज रेट, मैं कहूँगा आप सोच भी नहीं पाओगे उस रेट में इन बुलों का सीमन, जो भाई 200-200, 300-300 रुपए का सीमन बेच रहे थे पहले मार्केट में, आप देख पाएंगे। देखो देखो, रिकॉर्ड की इज्जत होती है, कोई बड़े रिकॉर्ड का है, कोई जिस, कई बुल ऐसे हैं जिनकी माँ का दूध रिकॉर्ड तो हुआ है लेकिन उतनी फेमस नहीं हो पाई, तो वो बुल भी कहीं कि उस बुल से, जो बड़े रिकॉर्ड का बुल है उससे कम नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक से बढ़ के एक बुल आपको अपने फार्म पे देखने को मिलेंगे, लेकिन आप यूज़ कीजिए इनको अपनी भैंसों के ऊपर, अपनी गायों के ऊपर, उस चीज़ की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे, और बढ़िया चीज़ ही आपके घर पे अपने पशुओं के बीच पैदा होगी। धीरे धीरे चलते चलते नवाब की तरफ हम जा रहे हैं, और बड़ी इज्जत मेरे दिल में और बहुत सारे पशुपालक भाइयों के दिल में नवाब और सरस्वती की रही है। बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है ये बुल देने वाला, आप देख सकते हैं, पहले आपने देखा भी है कई सारी वीडियो में, शायद इतनी तैयारी में नहीं था, लेकिन आज देखिए बहुत बढ़िया तैयारी में है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, खुला इन्वायरमेंट दे रहे हैं बुलों को, और ये अच्छे रिजल्ट आप भाइयों के सामने लेके आएगा। ठीक है जी मेरे पशुपालक साथियों, एक ये वीडियो लेके आए, एक नया काम शुरू कर रहे हैं आप भाइयों के लिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना। फिर दोबारा से लास्ट में एक दो बातें और कहूँगा, यहाँ से ना कभी डुप्लीकेसी होगी, ना कोई गलत सीमन जाएगा, सब कुछ डिजीज फ्री सीमन, सारे टेस्टिंग में पास सीमन, और सारा कुछ ओके। जब मैं कहूँगा पूरी संतुष्टि के साथ आप यूज कर सकते हैं हमारे सीमन को, और किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी, चाहे वो कंसीव करने की हो या डुप्लीकेसी की हो या डिजीज फ्री की बात करें, तो सारी बातों में सबसे बेहतरीन रिजल्ट हम देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मुर्रा है, चाहे हरियाणा है, चाहे थारपारकर है, चाहे जर्सी है, चाहे एचएफ है, एक किस्म से ऐसा स्टैंडर्ड आप भाइयों के लिए सेट कर देंगे कि आप, मैं कहूँगा सबकी कोशिश रहेगी कि हमारे जो सीमन स्टेशन है इसका सीमन आप यूज करें। और काफ़ी दिनों से, 5-6 सालों से कैमरा लिए लिए घूम रहे थे, तो लास्ट में सोचा कि हम क्या कुछ भला अपने पशुपालक साथियों के लिए कर सकते हैं, तो ये काम शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद रहेगी आप सारे के सारे भाई जो वीडियो पहले भी देखते थे और ये भी वीडियो देख रहे हो, आपके सहयोग की उम्मीद रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक साथियों तक, जिन भाइयों को, बहुत सारे एरिए इंडिया में ऐसे भी हैं जहाँ इंटरनेट यूज़ नहीं होता, या होता तो है लेकिन कई भाई नहीं यूज़ करते, तो आप
वहाँ तक भी मेरी बात पहुँचाने की जो है कोशिश करेंगे, यही आपसे सहयोग की उम्मीद रहेगी। और एक एक बुल की वीडियो, सब कुछ रिकॉर्ड, सब कुछ के साथ, जब भी किसी बुल का, जिसके घर पे बुल पैदा हुआ है, उस बुल का मालिक जब भी इधर होगा, तो उनके आने के बाद भी हम वीडियो शूट करेंगे। और वैसे भी आपको रूटीन में इन बुलों की वीडियो, सब बुलों की दिखाएंगे। ये नहीं रहेगा कि किसी को छुपा के काम कर रहे हैं, सब बुलों का वीडियो आप भाइयों तक फ्यूचर में लेके आएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और उम्मीद रहेगी सारे के सारे भाई, दोबारा कह रहा हूँ, आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। नमस्कार।